हेलो अर्बन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफसीआई एजीएम एग्जाम जो आज हुआ है 17/7/2021 को, उसका एक ब्रीफ छोटा सा एनालिसिस है और कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे कि पेपर क्या रहा, किस तरीका का पैटर्न था, मॉडरेट टू हाई था या मॉडरेट टू इजी था, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ब्रीफ आपको यहाँ पे एनालिसिस दूंगा, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी हमारे पास सारे क्वेश्चंस नहीं आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे। अभी मैं बता सकता हूँ सेक्शन वाइज कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है। बट अभी हमारे पास जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो नहीं आए कि किस तरीके के क्वेश्चन था, क्या लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, वो भी नहीं आए। जब वो क्वेश्चन हम कलेक्ट कर लेंगे तब एक आपके पास एक जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम पूरा एनालिसिस देंगे कि क्या किस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्या लेवल था पेपर का, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आज जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस दूंगा, इसलिए भी क्योंकि कल भी एक एग्जाम है बच्चों का, 18 जुलाई को भी एग्जाम है, उन बच्चों का मोरल डाउन ना हो, क्योंकि जो भी एग्जाम हुई है पेपर हुआ है कह सकते हैं कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो काफी डिफिकल्ट थी, है ना। क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं थे बट क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन को इतना घुमाया गया है कि बच्चे जो है थोड़े से वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक जनरल बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। ये हमारे सेक्शन थे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पूछा था, मैनेजमेंट एथिक्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर अवेयरनेस और लास्ट में जो रिलेवेंट सब्जेक्ट था हमारा, मींस जो टेक्निकल वाले थे जिनका 60 मार्क्स का सिर्फ एग्रीकल्चर पूछा गया था। तो जहां तक मैं रीजनिंग डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, ठीक है, हमने इसका कोई कोर्स नहीं दिया था रीजनिंग डाटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एबिलिटी का, बट बच्चों का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो रिव्यू है कि यहां से जो क्वेश्चन आए थे वो कोई भी क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर नहीं था, पहली चीज तो, ठीक है, सिलेबस से क्वेश्चंस बाहर नहीं था, सारे क्वेश्चन सिलेबस, जितना सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस के अंदर था। और इसमें अगर मैं बात करूं कि कितना जो है आप अटेंड अगर आपने किया है वो बेस्ट माना जाएगा, पहली बात तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपने अटेंड किए होंगे क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हो सकता है कि कुछ तुक्के भी किसी के सही हुए होंगे तो, और अगर किसी ने गलत भी किया होगा तो कोई मार्क्स वहां कटने वाले नहीं है। फिर भी अगर इस रीजनिंग और डाटा एनालिसिस न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड जो है कितना आपने अगर अटेंड किया है जो आपको कहीं ना कहीं सेफ जोन में रखता है, तो ये जो कितने मार्क्स का पूछा गया था, 30 मार्क्स का पूछा गया था पोर्शन, 30 मार्क्स में से अगर आपने 20 to 23 या 25 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है, क्लियर। फिर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में ज्यादातर क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूशन से पूछे थे, इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन थे इसके अंदर, और मैं बात करूं तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन था, एक नंदा देवी के ऊपर क्वेश्चन था, नंदा देवी पार्क जो भी था, नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन था, इस कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है जो हमारी एएफओ की जो सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर एएफओ की, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर की यूट्यूब पे, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और कोर्स के अंदर मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर ऐड भी कर रखे हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया होगा, उनको इन क्वेश्चन में हेल्प मिली होगी डेफिनेटली। तो ये क्वेश्चन नंदा देवी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, ये हमने अभी तक हमने 2014 तक के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है यूट्यूब के थ्रू IBPS AFO के, और वही 10 साल के क्वेश्चन मैंने कोर्स के अंदर एड भी कर रखे हैं, वहां से भी क्वेश्चन ही आए हैं उठ के सीधे सीधे। मैनेजमेंट इथिक्स की बात करें यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन थे, क्लियर। मैनेजमेंट इथिक्स की बात करें हम इंस्टीट्यूशन के अलावा और कोई क्वेश्चन, ओके इंस्टीट्यूशन के अलावा बात करें ना तो इंस्टीट्यूशन के अलावा यहाँ पे बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस राइटर ने कौन सी बुक्स लिखी, इस तरीके के क्वेश्चन भी थे करंट अफेयर्स में। फिर और बात करें तो जो करंट अफेयर्स था मेनली इन्होंने लास्ट 3 मंथ का लिया, लास्ट 3 मंथ मीन्स अप्रैल मई प्लस जून, मोस्टली क्वेश्चन जो है लास्ट 3 मंथ से आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हमने जनवरी से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर का डिस्कस किया है, क्लियर है। यूट्यूब पे अभी भी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां पे पूरा करंट अफेयर्स मेरे देख सकते हैं और उससे काफी क्वेश्चन जो है पूछे गए, 4 क्वेश्चन जो स्क्रीन पे ऊपर आए हैं, चारों क्वेश्चन करंट अफेयर वाले पार्ट जो हमारे एग्रीकल्चर का जो हमने यूट्यूब पे पढ़ा है उसमें से वो क्वेश्चन आए हैं। मैनेजमेंट इथिक्स की बात करें तो मैनेजमेंट इथिक्स में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन थे, ये बोल सकते हैं कि ये पार्ट जो था मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, ये मॉडरेट पार्ट था मैनेजमेंट इथिक्स का, मॉडरेट, क्योंकि वैसे भी ये जो पोर्शन है मैनेजमेंट इथिक्स थोड़ा सा टफ भी होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड्स के लिए, क्योंकि इसमें
जो सिलेबस है यूपीएससी, ये तो वैसे तो एफसीआई का पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का है, मे भी हो सकता है कि पेपर भी ऐसे ही लेवल के बंदों ने बनाया हो, यूपीएससी लेवल का था, फिर इजीली इसका जो आप बोले तो इसके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स और बुक्स वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस थे वो भी अगर आप ऑलमोस्ट आपने अगर 19 टू 20 क्वेश्चन अगर अटेंड किए हैं तो आप एक सेफ जोन में बोल सकते हो और आप ये गुड अटेम्प्ट बोल सकते हो। करंट अफेयर आप मान सकते हो 20 टू 20 क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किए हैं, अगर आपके सही है तो आप सेफ जोन में बोल सकते हो। क्लियर है? तो मैनेजमेंट इथिक्स में जैसे इथिक्स ऑफ कोर्स, कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन था, मैं अभी इसलिए आपको पूरा डिटेल नहीं यहाँ पे दे पाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या थी, उसके ऑप्शंस क्या था, ये अभी एग्जैक्ट हम बता नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस अभी हमारे पास आए नहीं है तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा आपको क्या था। पर हाँ, इथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट, रोल ऑफ मैनेजर से क्वेश्चन थे, रोल ऑफ मैनेजर, मैनेजर के रोल से क्वेश्चन था, ठीक है, बाकी मोटिवेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। क्लियर है? तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बोल सकते हैं मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन था, अगर इथिक्स और मैनेजमेंट को हम डिवाइड करें तो मैनेजमेंट से तो बेसिक क्वेश्चन थे, इथिक्स से जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं टफ क्वेश्चन थे। इथिक्स से करीब ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं ये क्या पूछा है। क्लियर है? तो ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका एक रिव्यू है, उनसे हमने रिव्यू मांगा था कि पेपर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल उन्होंने बिल्कुल हमें बताया कि सर एकदम मॉडरेट लेवल का, मतलब मीडियम लेवल का पेपर था, ना टफ भी नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल सकते, कुछ सेक्शन इजी था, कुछ सेक्शन बहुत ज्यादा टफ था। मेन प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो इस तरीके से पूछी गई, क्वेश्चंस का पेपर इतना लेंदी था कि 3-3, 4-4 लाइन का क्वेश्चंस था, को बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा था कि एक्सेक्ट में इसका आंसर क्या होगा। और मैनेजमेंट एथिक्स में सबसे बड़ा इशू यही है कि जब आप उसके ऑप्शंस देखोगे तो आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, आपको एग्जैक्ट आंसर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा गया। कल जो बच्चों का एग्जाम है उनसे यही कहूंगा मैं कि सिलेबस से बाहर नहीं पूछा गया है, बस पेपर लेंदी था, क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे क्वेश्चंस पूछा क्या है, आपको बियॉन्ड दी सिलेबस नहीं जाना है। क्लियर है? और आपके पास टाइम भी नहीं है, वन नाइट में आप कुछ नहीं कर सकते, तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए सबसे पहली चीज। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से लगभग 23 से 24 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 7 से 8 क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन 30 यहां से आए थे। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो हार्डली कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे यहाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जो बेसिक्स हमने पढ़ाया आपको और जो नोट्स हमने दिए अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो उसी में से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। देखो यहाँ पे हम बात करें तो पहली चीज 4 से 5 क्वेश्चन तो किसके थे, स्कीम के थे, 4 से 5 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर की स्कीम से पूछे गए। मैं आपको बता दूं इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक क्वेश्चन इससे था, मत्स्य संपदा योजना, मैंने स्कीम्स की पूरी पीडीएफ आपको दे रखी है उसी में से ये क्वेश्चन से। फिर था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हमने करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया है अभी लास्ट 6 मंथ के। फिर ऑपरेशन ग्रीन, ये भी अभी करंट ऑपरेशन जो ग्रीन था ये भी अभी हमने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ाया है, बीच में 1-2 लाइन डिस्कस की थी हमने करंट अफेयर जो है टॉप क्रॉप के लिए, पहले क्या था टोमेटो ऑनियन और पोटेटो के था, बाद में इसको टोटल के लिए कर दिया गया था, ये मैंने डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर। क्लियर? एक ये स्कीम थी और देन एक क्वेश्चन था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो सीएससीपी से एक क्वेश्चन था, सीएससीपी मतलब सीएससीपी उसका आंसर था, ठीक है, सीएससीपी से एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हमें अभी हमें नहीं पता, जब एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे तो हम एक आपके लिए डिटेल रिव्यू भी करेंगे। कंप्यूटर्स की बात करें, सॉरी ठीक है, कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स के लिए देखो, कंप्यूटर्स की अगर बात करें कंप्यूटर्स में जो 7 क्वेश्चंस आए थे, अभी तो एग्रीकल्चर की सॉरी एग्रीकल्चर की बात कर ले, एग्रीकल्चर में आपको लगभग 2 क्वेश्चन पूछे थे वाटर होल्डिंग सॉरी वाटर यूज इफिशियंसी पे, वाटर यूज इफिशियंसी से 2 से 3 क्वेश्चंस थे। वाटर यूज इफिशियंसी से क्वेश्चंस क्या था, वाटर यूज इफिशियंसी भी हमने आपको अच्छे से पढ़ाया, वीडियो लेक्चर्स भी दिया, पीडीएफ नोट्स भी दिया था। वाटर यूज इफिशियंसी में क्वेश्चंस में भी द फील्ड कैपेसिटी का एक डेफिनेशन ही पूछ लिया था कि जो हमारे फील्ड में जो हम वाटर देते हैं 2 से 3 दिन बाद वो अगर फील्ड में अवेलेबल रहता है तो उसको हम फील्ड कैपेसिटी देते हैं। मे बी वो क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, तो एक फील्ड कैपेसिटी के ऊपर मे बी क्वेश्चन था, तो 2 से 3 क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। फिर क्रॉपिंग पैटर्न से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, क्रॉपिंग पैटर्न से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, क्रॉपिंग पैटर्न से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, क्रॉपिंग पैटर्न से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। शुगर केन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था,
शुगर केन के ऊपर पूछा गया था, किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में यह आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन और बात करें प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर, ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन था, इसकी जस्ट डेफिनेशन ही पूछी थी, ये भी आपको दी गई है नोट्स के अंदर, प्रिसीजन फार्मिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन ही पूछी गई थी, क्लियर है। और हम क्या बात करें, एक तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूछा था या लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूछा था, अगर आपको पता है तो बच्चों आप जो है कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ दे दीजिए, हम उसका डिटेल रिव्यू करेंगे। आपको अगर क्वेश्चंस पता है क्वेश्चंस भी दीजिए कमेंट्स के अंदर, और उनके ऑप्शंस भी दीजिए, हम उसका डिटेल रिव्यू आपके लिए करेंगे, कल नहीं तो परसों हम कर देंगे आपके लिए डिटेल रिव्यू। बस आप क्वेश्चन हम तक भेज दीजिए, कल का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद कल के एग्जाम का और आज के एग्जाम का दोनों का हम डिटेल रिव्यू एक साथ कर देंगे। बस आप हमको कमेंट्स बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन आपको पता है, आपको याद है विद ऑप्शन, वो हमें दे दीजिए। एटलीस्ट क्वेश्चन तो एटलीस्ट दे दीजिए, क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, एटलीस्ट मेमोरी बेस्ड होगा तो भी चलेगा क्वेश्चन ना। और जो क्वेश्चन है सोयल साइंस से, सोइल साइंस की बात करें तो सोइल साइंस में सोइल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन था, सोइल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन था, सोइल टेक्सचर्स के ऊपर क्वेश्चन था, सोइल टेक्सचर्स से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा हम चीज ने अच्छे से पढ़ा है, सोइल साइंस तो काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया है, क्लियर है। तो सोइल साइंस के ऊपर क्वेश्चन था। और हम बात करें यहाँ पे, ओके, और हम बात करें रटून क्रॉपिंग से, क्रॉपिंग की बात करें तो यहाँ पे रटून क्रॉपिंग से क्वेश्चन था, रटून क्रॉप से या रटून क्रॉपिंग से भी क्वेश्चन था। अब कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर्स के लिए तो कंप्यूटर के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे और वो भी बहुत इजी थी। एक था HTTPS में S क्या है, देन MS Excel से क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, अगर आपको क्वेश्चंस पता है तो देन आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। MS Excel के ऊपर क्वेश्चन था, देन एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन था कि कौन सा इनमें से एक्सटेंशन नहीं है, जैसे एक डॉक्स हम पढ़ते हैं, एक PPT हम पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है, इस टाइप का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चंस भी इसमें पूछा गया था, क्लियर है। तो कंप्यूटर्स के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल इजी थे, अगर आपने कोई भी बेसिक फंडामेंटल कोई कंप्यूटर्स की बुक्स या PDFs पढ़ी होगी उसमें से आपके क्वेश्चंस बन गए होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमने अभी सेक्शन डिस्कस की है, यहाँ पे जो हमने सेक्शन डिस्कस किए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनने चाहिए थे। अगर यहाँ आप कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस अगर आपने अटेंड किए हैं तो अच्छा खासा आपने अटेंड किया है। अगर मैं रिवलेंट डिसिप्लिन की बात करूं, रिवलेंट डिसिप्लिन मतलब जो आप हमारे एग्रीकल्चर टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनकी बात करते हैं, टेक्निकल वाले बच्चों की, तो टेक्निकल वाले बच्चों की बात करूं तो एक तो जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे, जनरल एग्रीकल्चर, इंटोमोलॉजी से अच्छा खासा था, इंटोमोलॉजी की तो हमने आपको लाइव क्लासेस दी थी, इंटोमोलॉजी की क्लासेस अच्छे खासी हुई थी हमारी, बायोटेक से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ठीक है। केमिस्ट्री हमारा पार्ट नहीं था फिर भी हमने कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, हमने केमिस्ट्री का हमारा ये नहीं था कि हम आपको केमिस्ट्री देंगे या नोट्स देंगे या पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी हमने केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। तो यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन करीब जनरल एग्रीकल्चर के, इंटोमो की बात करें तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इंटोमो के लगभग आए थे, 12 से 13 क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन लगभग बायोटेक से भी आए थे, केमिस्ट्री से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ पैटर्न रहा है। एग्जैक्ट अभी क्वेश्चंस अगर आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चन इंटोमोलॉजी में आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जो है इंटोमोलॉजी में, जो इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था, ग्रास ऊपर के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, क्लियर है। बायोटेक की बात करें तो CPR के ऊपर क्वेश्चन था, सोमाकोनल जो क्या बोल सकते हैं उसको, एक क्वेश्चन था सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। बायोटेक से बचेगा इकोलाई के ऊपर क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सारे जो है क्वेश्चन जो है अच्छे खासे क्वेश्चन थे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से थी जो बच्चा समझ नहीं पाता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। जनरल एग्रीकल्चर तो ऑलमोस्ट जिन बच्चे ने बेसिक जिनका पढ़ा हुआ है, जिन्हें नेमरा सुंदा भी पढ़ी होगी, जनरल एग्रीकल्चर उससे बन गया होगा। हाँ, केमिस्ट्री में ये बोल सकते हैं कि दो क्वेश्चन तो यूपीएससी नाम थे उसके, आईयूपीएससी नाम से पूछे गए थे दो क्वेश्चन करीब, दो या तीन क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर पूछे गए थे, तो केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है, क्लियर है। तो ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि क्या इस टाइप के कहाँ कहाँ से क्या क्या कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिटेल मैं तभी दे पाऊंगा रिव्यू या डिटेल एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस एग्जैक्ट आ जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन था, तब हम बता पाएंगे कि वाकई में क्वेश्चंस का लेवल, पेपर का लेवल क्या था। अभी जस्ट ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स है, अकॉर्डिंग टू बच्चे हैं जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया था, उन्होंने रिव्यू किया कि सर इस टाइप का पैटर्न रहा है, इस टाइप का पेपर था, क्लियर है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ,
कट ऑफ की अगर बात कर रहे थे, ये भी स्टूडेंट्स के बेसिस पे ही है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब जैसे अकॉर्डिंग बच्चों ने जो क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन उनको एग्जैक्ट सही लग रहे हैं, पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम कट ऑफ जाने वाला है। जनरल और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 140 to 160 कट ऑफ इसका जाने वाला है। मैं जितने भी एग्जाम हुए सारी बात कर रहा हूँ, है ना, अकाउंट्स, लॉ, मेडिकल, सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट। उनका थोड़ा सा पेपर ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू टेक्निकल थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं बाकी पार्ट का, बट ऑलमोस्ट कट ऑफ यही रहने वाला है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी लगभग 140 to 145 या 150 तक इनका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। एससी की बात करें तो 125 से 135 रह सकता है। एसटी की बात करें तो 150 से लेके 125 हो सकता है। देन ये एग्जैक्ट नहीं है बट ये अनुमान है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों ने जो हमें रिव्यू भेजा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ बता रहे हैं, तो मे बी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एक्चुअल क्या रहेगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्लियर है। तो ये एक जस्ट ब्रीफ हमने आपको रिव्यू दिया है आज के एग्जाम का। तो मेरा जो यही कहना है जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए यही कहना है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका मोरल बिल्कुल डाउन नहीं करना है कि भाई आज का पेपर कैसा रहा, टफ रहा, इजी रहा, डजंट मैटर, कूल रहिए। और एक आज की रात बची है, आज की रात में आप कुछ हार नहीं सकते, बट लेकिन हाँ जो आपके पास है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए, क्लियर है। और सोना जरूर, पूरी नींद लेना, 8 घंटे की अच्छे से सोना, बिल्कुल कूल होकर एग्जाम देने जाना, आपके पास कल मॉर्निंग में भी टाइम रहेगा। एक चीज और मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ, वो चीज क्या है कि अभी ये एग्जाम तो हो गई, अब नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाली क्या है, नाबार्ड ग्रेड ए की जो एग्जाम होने वाली है, नाबार्ड ग्रेड ए के जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो गए हैं फिल होना। तो नाबार्ड ग्रेड ए जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके लिए एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, ये पूरा कोर्स हम दे रहे हैं, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और उसके साथ इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, ये पूरा हम देंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रूरल के वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों मिलेगा, यहाँ पे इसकी आपको हम सिर्फ पीडीएफ दे पाएंगे वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 डेज का टाइम है, पॉसिबल नहीं है इसके भी वीडियो लेक्चर दे पाए। तो इसके तो हम आपको देंगे पीडीएफ नोट्स, और यहाँ पे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के वीडियो और पीडीएफ नोट्स दोनों मिल जाएगा। देन आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट आपको 30+ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हम देंगे, उसमें ESI और ARD दोनों रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगी। हमारा जो कोर्स है वो 20 जुलाई को लॉन्च होगा, 20 जुलाई को आप इसको एनरोल करवा सकते हैं जिन बच्चों को चाहिए। इस कोर्स की जो प्राइस है वो 699 मतलब लगभग 700 रुपीज है, कब तक, 31 जुलाई तक ये जो कोर्स है आपको 6999 में मिल जाएगा। कोर्स को लेने के लिए आपको हमारी ऐप एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस को इनरोल कर लेना है या डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे ऐप की, आप ऐप पे जाइए उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। 20 जुलाई को हमारे कोर्स लॉन्च हो जाएगा, उसमें आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूरा नोट्स, देन आपको कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी हम देंगे, क्वेश्चन पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देंगे, वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, और ES इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के आपको पूरे नोट्स दिए जाएंगे। वन मोर चीज, यहाँ पे क्या है, आप ये जो सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। याद रखना, आप जो भी नोट्स होंगे वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्रिंट भी करवा सकते हो। तो इसका मैं डिटेल अभी आपको दूंगा, कल या परसों में आपको मैं इस कोर्स के बारे में डिटेल भी दूंगा, नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।